वेलकम टू अमृतिका व्लॉग्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ डेली मेकअप व्लॉग्स। तो यहाँ पे देखिए, मैं अपने हेयर को कॉम करने जा रही हूँ। अभी मैं सिंदूर लगा रही हूँ, उसके बाद मैं अपने हेयर को कॉम करके इसका पोनी टेल बनाऊँगी। आप देख सकते हैं, ये देखिए मैं पोनी टेल बना रही हूँ अपने बाल का। उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस शुरू करूँगी। अभी पहले मैं पोनी टेल बना लूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे बना, ये बहुत सिंपल पोनी टेल है। आप चाहे तो घर पे ट्राई कर सकते हैं और अच्छा भी लगता है, अच्छा अलग सा फीलिंग आता है और लुक भी थोड़ा अलग आता है। तो आप इसको बना सकते हैं। अब देखिए, मैंने बीच से दो पार्ट कर दिया है बाल को। उसके बाद कॉम्ब के सहारे से मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाके इसको फोल्ड करके पीछे पोनीटेल में लगा लूँगी और एक क्लिप के सहायता से उसको टक कर दूँगी ताकि वो आराम से रहे और बिखरे ना। दूसरी तरफ भी मैं यही करूँगी। आप देख सकते हैं दूसरी तरफ भी मैं यही कर रही हूँ। तो आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये पोनीटेल होने के बाद। आप देखिएगा लुक थोड़ा अलग लगेगा। उसके बाद मैं आगे का मेकअप स्टार्ट करूँगी। अभी मैं थोड़ा बाल को बना लूँ। यहाँ मेरे हस्बैंड मुझसे कुछ बातें कर रहे थे तो मैं उनकी बात सुन रही थी और उन्हीं की बात सुन रही थी और हंसी भी आ रहा था। फिर देखिए आगे मैंने ये ना बाल सही कर लिया है, थोड़ा पीछे उठ गया था तो मैं उसको भी सही कर रही हूँ। अब ये बाल मेरा हो गया है। अब मैं आगे का प्रोसेस स्टार्ट करूँगी, यानी कि मेरा मेकअप। तो मैं पहले मेकअप करने से पहले मैं इस प्राइमर लगाऊँगी जो कि पर्पल का है, 24 कैरेट गोल्ड है। मैं उसको लगाऊँगी। पहले मैं उसको उंगली की सहायता से थोड़ा रब कर लेती हूँ, उसके बाद फेस पे अप्लाई करूँगी। और यहाँ मैं अपने हस्बैंड से बात भी कर रही हूँ। और ये देखिए मैं उंगली की सहायता से ही इसको सही कर रही हूँ। मैं हाथ से ही लगा सकती हूँ। आप चाहे तो आप इसके लिए ब्रश यूज कर लीजिए या फिर सब अपना यूज कर लेते हैं, आप जिससे भी चाहे लगा सकते हैं। मैं हाथ से ही लगा रही हूँ क्योंकि ये डेली मेकअप है, कोई ऐसा मेकअप नहीं है। मैं उसको तब तक लगाऊँगी ताकि वो चेहरे पर एब्जॉर्ब हो जाए। अब देखिएगा ये एब्जॉर्ब हो चुका है और मेरा बाल थोड़ा सा उठ गया था, मैं उसको फिर से सही कर रही थी। तो मैं कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ। अब मैं डेली क्रीम लगाती हूँ, जो कभी डेली क्या कभी मेकअप करना रहता है ऐसे लगा लेती हूँ। मैं आज फाउंडेशन यूज़ नहीं कर रही हूँ, फेयर एंड लवली लगा रही हूँ मैं, क्योंकि नॉर्मल सा मुझे मेकअप करना है। तो फाउंडेशन मैं डेली अप्लाई नहीं करती हूँ फेस पे, क्योंकि ज़्यादा फाउंडेशन लगाना चेहरे के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये मैंने देखिए, आप देख सकते हैं मैं लगा रही हूँ फेयर एंड लवली। मैं इसको भी अपने हाथों की सहायता से ही चेहरे पे एब्जॉर्ब करवा लूँगी हल्के हाथों से। मैंने इसको एब्जॉर्ब कर लिया है, आप देख सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं प्रोफेशनल जैसे कि पार्टी में मेकअप जो होता है वो भी लेके आ सकती हूँ, और आप मुझे बताइएगा तो मैं पार्टी मेकअप का भी वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए। अभी तो मैं ऐसे ही डेली रूटीन का मेकअप जो होता है लोग करते हैं वही कर रही हूँ। आप ये मेरा हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब मैं यूज करूँगी कॉम्पैक्ट जो कि लैक्मे का है। इससे क्या होता है, मेकअप आपका सटल हो जाता है, अच्छा अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है और अच्छा लगता है, थोड़ा सा अच्छा लुक देता है। तो ये देखिए मैं मेक लगा रही हूँ ऊपर से पाउडर, कॉम्पैक्ट है, लैक्मे का है ये। और ये मैं अच्छे से गर्दनों में भी लगा लूँगी, वरना चेहरा और गर्दन थोड़ा अलग अलग कलर आ जाते हैं, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि इसको गर्दन पे भी अप्लाई करना है आपको। और मेरे हस्बैंड मुझे हंसा रहे थे तो मैं उनसे ही बातें कर रही थी, वो मुझे चिढ़ा भी रहे थे। अब मैं लैक्मे का ही काजल लगाने जा रही हूँ जो कि आई कॉल है,
22 आवर्स लॉन्ग लास्टिंग है, वो मुझे बहुत हंसाते हैं, बहुत मजाक करते रहते हैं मेरे हस्बैंड, तो उन्हीं से बात हो रही है मेरी, तो उसी में मैं हंस वस भी रही हूँ। आप देखिए, मैंने अपने आँखों में काजल अप्लाई कर लिया है और मुझे काजल लगाना बहुत अच्छा लगता है, तो मेरे मेकअप में मैं कुछ करूँ या ना करूँ, मैं क्रीम वूम कुछ भी ना लगाऊँ, मैं काजल लगा लेती हूँ। काजल लगाने से आँखें आपकी अच्छी लगने लगती है। और मैंने काजल अप्लाई कर लिया, मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ, ये भी लैक्मे का ही है, इसका शेड नंबर अभी मुझे याद नहीं है, कि बहुत अच्छा लगता है, पर्पल कलर का है लिपस्टिक, तो मैंने अब उसको लगा लिया है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं बिंदी लगाऊंगी, तो पहले उसके पहले मैं सिंदूर लगा लूँ, सिंदूर, ये देखिए मैंने सिंदूर लगा लिया है। अब मैं बिंदी लगाऊंगी, ये मैंने बिंदी लगा लिया है, और अब मैं वेट एंड वाइल्ड का जो मेकअप फिक्सर होता है सेटिंग स्प्रे, वो मैं यूज कर रही हूँ, ताकि इससे मेकअप थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और अच्छी तरह सेट भी हो जाएगा आपका मेकअप। तो थोड़ा सा मैं हाथों से ऐसे कर रही थी, तो मेरे हस्बैंड दिखा रहे थे कि देखो एसी चल रहा है फिर भी अपने हाथों से उसको सुखा रही हैं, पंखा चल रहा है फिर भी। और यहाँ मैंने अपने मंगलसूत्र पहन लिया और मैं अपना गोल्ड का इयररिंग पहन रही हूँ। तो बस यही होता है डेली मेकअप, ज़्यादा मेकअप मैं वैसे भी नहीं करती हूँ, आप नॉर्मल भी रहती हूँ, अगर कभी करना रहता है डेली में तो मैं डेली में यही करती हूँ। हाँ, कहीं अगर बाहर जाना रहता है तो मैं पार्टी वेयर मेकअप करती हूँ। अब आप देख सकते हैं मैं आपको अपना पूरा लुक दिखा रही हूँ। तो आप बताइएगा कि पूरा लुक मेरा कैसा लग रहा है। अगर आपको मेरा मेकअप ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, फिर मैं आपके लिए और अच्छे ब्लॉग लाऊंगी। तब मिलती है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक